तो आ गए फिर से। तो ये हमारे स्कूल के बच्चे एकदम नादान परिंदे, इन लोगों को इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है ना। तेल क्यों नहीं डाला इस बाल में? मैम वो थोड़ा सा भूल। वर्षा दीदी, ये इस दरिंदे को ना तेल में डुबोक डुबोक के मारो। उधर जो बच्चे तेल लगा के नहीं आए वो भगते फिर रहे इधर उधर। बचाओ बचाओ, थोड़ा सा तेल दे। हाँ आप पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. खैर ये टीचर्स लोग, ये लोग तब तक मारते हैं बच्चे को जब तक बच्चा रोए नहीं, इसलिए लड़कियां तो मार खाती ही नहीं है, क्योंकि लड़कियों के पास कुछ ऐसा रहता है, इनबिल्ट रहता है इनके अंदर कुछ, कि ये विद इन अ सेकंड आंसू निकाल सकती है। बेटा बेटा बेटा, अभी तो मैं कुछ करा भी नहीं है। बेटा बैठ जाओ, चुपचाप जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। नहीं, ये चीजें हो कैसे रही है, और दूसरी तरफ बेचारे लड़के मार खाए जा रहे, उनका रोना नहीं निकल रहा है। बेटा होमवर्क क्यों नहीं किया? एक काम करो मैम, लो मार लो। देखो मैम, ऐसा है ना कि हम तो घर पे ही मार खाते हैं, स्कूल में भी कूटा नहीं आते हैं। लो मार लो जितना मारना है, और अगर आपका फिर भी मेरे से मन नहीं भरा है तो उधर मेरे चार दोस्त खड़े हैं, उनको ही मार लेना। क्या बच्चे हैं यार, ये जरा सी भी इज्जत नहीं कर रहे टीचर की। ओह माय गॉड, मैम रो रहे, चलो फिर अपन भी रोते हैं। और कोई किसी को कूटता है ना तो मेरे को बहुत मजा आता है, अलग ही सुकून मिलता है मेरे को। ए शाली, तूने मेरे रबड़ का कवर फाड़ कैसे दिया? अब मैं तेरे कपड़े फाड़ दूंगा। ओ क्या बोल दिया, क्या बोल दिया रे। ओहो, शर्मिला के सामने तेरी बेइज्जती हो गई, बेइज्जती। मारो मारो मारो, बाल खींचो बाल खींचो, ये ले प्रकार ले प्रकार ले, घोप दे उसके पेट में, घोप दे। ओ ओ यस। तुम दोनों तो जाके बैठ जाओ पीछे, और तुम या तो खुद खिड़की से कूद जाओ, नहीं तो मैं तुमको फेंक दूंगा। भाई तेरी औकात कैसे हो गई है फोन चलाने की? किसका चुराया, सही सही बता। अरे भाई, ए कर क्या रहा तू फोन में, कर क्या रहा? अरे भाई मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। क्या? मैं अपने नॉलेज का यूज करके पैसे कमा रहा हूँ प्रोबो पे। तेरे अंदर है नॉलेज? लेकिन प्रोबो पे तो कोई भी अपना ओपिनियन दे के पैसे कमा सकता है ना। ओए तू ये बता के ये भारत श्रीलंका के खिलाफ जो ओडीआई मैच होने वाला है, ये जीत पाएगा कि नहीं भारत? हाँ जीत जाएगा, जीत जाएगा। अब देख ऐसा ना, ये जो अपना हुआ था ना इंडिया वर्सेस श्रीलंका का थर्ड T20 मैच, इसमें इन लोगों ने एकदम से पूछ लिया कि सूर्य कुमार यादव 50 से ज्यादा रन बनाएगा कि नहीं। तो अब अपने को तो पूरा भरोसा था, तो अपन ने बिना झिझके कर दिया हाँ। अब उन्होंने इतना पैसा भेज दिया ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा। रखू किधर ये पैसे? मैं को दे दे। और पैसे विड्रॉल करने के लिए तुम लोग गूगल पे, पेटीएम, UPI और कार्ड कुछ भी यूज कर सकते हो। करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने प्रोबो पर ओपिनियन देकर पैसे कमाए, सो गो एंड चेक इट आउट प्रोबो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो वो बच्चे नहीं होते जो कि बहुत ही एक्टिव स्टूडेंट होते हैं? हाँ हाँ वही वही आ रही है तुम्हारे दिमाग में उसकी शक्ल। हाँ वही, जिनका प्राइमरी काम होता है अटेंशन, स्टैंडर्ड टिप्स। हाँ यही बच्चे, मेरे को सख्त चीड़ है इन बच्चों से। ये बच्चे मैम के काम बोलने से पहले ही कर देते हैं। मैम ये लो चौक। हे बेटा हे, अभी तो मैम ले लो फिरी, घर ले जाओ घर ले जाओ। और हमारी क्लास के टॉपर लोग, इन लोगों में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है ना, ये लोग तुम्हारे सामने पाद के बोलेंगे कि अरे यार पादने का टाइम ही नहीं मिलता यार। भाई साइंस में कौन से चैप्टर पे? अरे यार पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता रे आजकल तो। इन लोगों के हिसाब से ये लोग कभी पढ़ाई करते ही नहीं है। तुम लोग पढ़ कैसे लेते हो यार इतना? मेरे तो अभी कोर्स चालू ही नहीं हुआ। नहीं, भूल के भी इनकी ये दोगली बातों का विश्वास मत कर लेना जरा सा भी। रात भर पढ़ के आया है वो दरिंदा, उसकी आंखें देखो लाल चट हो रखी है, और तो ये लोग एग्जाम में आके भी एक्टिंग कर रहे हैं। यार भाई पास करा देना रे, मैं तो कुछ पढ़ के ही नहीं आया, टाइम नहीं मिला है ना। हाँ 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 हाँ। अरे टाइम, चुप चुप, बिल्कुल चुप हो जा, मुंह मत खोलना अपना जरा सा भी। तो देखो बहुत सीरियस बात हो रही है अब, कि जो लड़के लोग होते हैं ना, ये लोग बहुत मेहनती होते हैं। लड़के लोग दिन रात मेहनत कर रहे, पढ़ पढ़ के उंधे पढ़ रहे, ये लोग कमरे में कागज लगा लगा के बेंडे हो रहे। अब मैं रोज सुबह उठते से इसको देखूंगा और ये मेरे को याद हो जाएगा। ये ट्रिक किसी को पता नहीं चलनी चाहिए।
और दूसरी तरफ लड़कियां घर में खाना बना रही है, झाड़ू पोछा लगा रही है, बर्तन मांज रही है, उसके बाद 2 घंटे रील्स चला रही है। लेकिन पता नहीं कैसे तो इनके फिर भी ज्यादा नंबर आ रहे हैं लड़कों से। कैसे? ये ट्रिक सिर्फ लड़कियों के पास ही है, और फॉर श्योर ये ट्रिक तुम्हारी मम्मी को भी पता है। लेकिन ये लड़कियों की कम्युनिटी में इन लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि ये ट्रिक किसी भी हालत में लड़कों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, इसलिए तुम्हारी मम्मी भी तुमको ये ट्रिक नहीं बताती है। अनसॉल्वड मिस्ट्री है ये आज तक। वैसे हमारे स्कूल वालों ने हर 1 सेंटीमीटर पे कैमरे लगा रखे थे, पता नहीं क्या शौक चढ़ा था इनको, और पूरे स्कूल में ये बात फैल चुकी थी कि ये सारे कैमरे नकली है। तो हमारी क्लास के कुछ नादान परिंदे, ये लोग नंगे नाच रहे कैमरे के सामने चेक करने के लिए कि कैमरे चालू है कि नहीं। ये लोग जाने कौन सी फ्रूट बियर लेके आ गए थे स्कूल में, जिससे इनको अलग ही लेवल के नशे हो रहे थे। हम गावी नहीं है, भी नहीं है, हम गोभी नहीं है। दिवाली है ना आज, है बम फोड़ो बम फोड़ो। अरे भाई ये अपना टोपी इतना छोटा कैसे हो गया? अरे तूने ज्यादा पी ली शायद ज्यादा। अरे हाँ, शीला के भी आज तो छोटे लग रहे हैं बाल। तो हमारे स्कूल में गर्ल्स वॉशरूम और बॉयज वॉशरूम के ऊपर इतनी जगह थी ना कि तुम लोग देखना तो दूर की बात, आ जा सकते हो पूरे। तो हम लोग आराम से मूत रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था जिंदगी में, और गर्ल्स वॉशरूम से पता नहीं किसने रस्सी बम जला के फेंक दिया बॉयज वॉशरूम में। और हमारा प्रिंसिपल महाटोपा आदमी, इससे फ्री फोकटा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। ये आदमी के पास कुछ काम धंधा है ही नहीं, बम फूटने के पहले ही आके चिल्ला रहा है वॉशरूम के बाहर, ओ बम फूटा बम फूटा बम फूटा। अच्छा ठीक है, काट देना। और ये आदमी ऐसे वॉशरूम में घुस के सीधे जो इसको अंदर दिख रहा है उसको वाइपर से कूटने लग गया बिना कुछ पूछे। अरे सर सर सर, हमने कुछ नहीं करा। अरे मैं फ्री बैठा हूँ, मार तो खा लो थोड़ी सी। फिर इन बच्चों को फालतू में इतना कूटने के बाद, वाह चलो ढूंढ लेते आखिर फोड़ा किसने बम। तो हमारे स्कूल वालों का था बिग ब्रेन, जिससे ये लोग आउट ऑफ वर्ल्ड की चीजें सोच सकते थे। देखो अब नॉर्मल इंसान मुजरिम को पकड़ने के लिए क्या करेगा? सर कैमरे चेक करवाते। नहीं क्यों? तो ये लोगों का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग आउट ऑफ द वर्ल्ड जाके सोचा, और मुजरिम को पकड़ने का ऐसा रामबाण तरीका निकाला इन लोगों ने। नहीं नहीं, इसमें से नहीं आ रही, अगला अगला। ये लोग लिटरली पूरे स्कूल के बच्चों के हाथ सूंघ रहे थे कि किसके हाथ में से बारूद की खुशबू आ रही है। और ऐसी हरकतें करने के बाद प्रिंसिपल को अप्रिसिएशन मिल रहा है। अरे वाह सर, आप तो डिटेक्टिव निकले यार, अभी मिला भी नहीं है मुजरिम। ओके, तो दी एंड हो चुका है। तो होपफुली तुमको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पे कमेंट्स करके बताओ कि तुमको वीडियो कैसी लगी। तुम लोगों को प्रोबो डाउनलोड करते से ही मिलेगा 25 का वेलकम बोनस, सो गो एंड चेक इट आउट। प्रोबो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और How is it even mumkin कैसे ये चीज़? English में नहीं आ रहा तो मत बोलो। How is it even mumkin? पहले वो मूंगफली बोल रहा। मूंगफली नहीं बोल रहा हूँ मैं।